गोड्डा लोकसभा का सियासी संग्राम हाई प्रोफाइल हो चुका है। यहाँ स्टार वार चल रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे उम्मीदवार हैं जो चौथी बार किस्मत आजमा रहे हैं, तो इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रदीप यादव पर ही भरोसा जताया है। दोनों अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं। हम इस वक्त देवघर में हैं जो बाबा बैद्यनाथ की नगरी है। ये धार्मिक स्थल है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, बाबा भोले को जलाभिषेक करते हैं। लेकिन बाबा बैद्यनाथ धाम की ये नगरी क्या कहती है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो चुनाव करेंगे, वोट करेंगे, ये तमाम चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त काबर चौक पर हैं और यहाँ देखिए चाय की दुकान है और तमाम लोग यहाँ चाय की चुस्की ले रहे हैं। हम इन्हीं लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग भी वोट करते ही होंगे? जी बिल्कुल करते हैं। देवघर में इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, ये लोकसभा गोड्डा लोकसभा में आता है, देवघर की फिजा क्या कह रही है? देवघर की फिजा देखिए, एक तरह से तो अभी तो दोनों ही महागठबंधन के प्रत्याशी भी अपने जोर पे हैं और निशिकांत दुबे जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके भी जोर पे हैं, तो अभी तो कहना मुश्किल है, वो तो समय ही बताएगी, समय का इंतजार है। आप भी मानते हैं ये चुनाव गोड्डा का झारखंड का हाई प्रोफाइल चुनाव हो चुका है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हाई प्रोफाइल चुनाव है यहाँ पे। आपके नजरिए से, आपके चश्मे से देखें तो हाई प्रोफाइल क्यों? ये अभी यहाँ पे देखिए विकास को भी लेके, उसके बाद रहा बात तो एनडीए के प्रत्याशी जो है निशिकांत दुबे, वो भी लगातार 3 बार रह चुके हैं, और जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप यादव जी, वो भी मतलब पिछली बार भी कुछ मतों से वो पराजित हुए थे, इसलिए ये सीट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवरऑल इंडिया के नज़रिए से देखा जाता है तो बहुत ही हॉट सीट है। हॉट सीट है, गोड्डा हॉट सीट है। आप ये बताइए, आपके नजर से ये अगर हम देखें तो ये देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी या गोड्डा लोकसभा क्षेत्र, चुनावी मुद्दे आपको क्या लगते हैं, क्या मुद्दे हैं? नहीं, एक तो निशिकांत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो सबसे पहले तो दुमका वासियों को, देवघर वासियों को रेल से जोड़ा है, वो उनका मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि लास्ट वीक मैं गोड्डा से लौट रहा था तो सबसे पहले मुझे ट्रेन में बैठने की मतलब जो मेरा अनुभूति हुआ है, तो मैं फिलहाल अभी धनबाद से बिलोंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो स्कूलिंग वगैरह है वो दुमका से हुआ है, तो यहाँ के लोग रेलवे से काफ़ी अपरिचित थे, जानते तक नहीं थे, इसलिए निशिकांत साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार जो चुनावी संघर्ष है, चुनावी मुकाबला है, वो कैसा आपको दिख रहा है गोड्डा लोकसभा? नहीं नहीं, निशिकांत दुबे निश्चित ही उनकी विजय होगी, क्योंकि उनके साथ एक तरह से समझिए कि डबल इंजन, डबल सपोर्ट है, मोदी जी का भी सपोर्ट है प्लस उनका खुद का काम किया हुआ है। काम किया हुआ, देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं भाई साहब। सर, आप तो चाय की चुस्की ले रहे हैं, लेकिन जरा यहाँ के लोकसभा का गणित चाय की चुस्की के साथ समझाइए। यहाँ बिल्कुल क्लियर है निशिकांत दुबे जी जीत रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो सोचना चाहिए, जो थिंकिंग होनी चाहिए, तो इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए एकमात्र च्वाइस मोदी जी हैं। अगर मोदी जी सही में इस देश का कल्याण करना चाहते हैं, इम्प्लॉई का पेंशन बन तो नेता का पेंशन क्यों नहीं बन? एक बार जीता तो जिंदगी भर पेंशन खाते रहेगा, राजधानी में जनरल आदमी को टिकट नहीं मिलेगा लेकिन नेताओं से राजधानी भरा रहेगा, यही तो इस देश का सिस्टम है। सबसे पहले अगर पॉलिटिकल सिस्टम को इस देश में सुधारने वाला कोई नेता पैदा हो तो सही मायने में इस देश का कल्याण होगा। तो आप मानते हैं कि ओपीएस लागू होना चाहिए था? ओपीएस लागू होना चाहिए था, राज्य की सरकार बंद होना चाहिए तो सबके लिए बंद होना चाहिए। राज्य की सरकार ने तो किया है, राज्य की सरकार ने किया है तो राज्य का पूर्ण फिर जेएमएम का सरकार आएगा यहाँ, अच्छा क्लियर है। लेकिन लोकसभा में चूंकि ऑप्शन ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, इसीलिए मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मतलब केंद्र, ये सरकारी नौकरी करने, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ओपीएस एक मुद्दा है, हाँ। भले लोकसभा के दौरान ये ना हो लेकिन विधानसभा में ये मुद्दा के दौरान निश्चित रूप से मोदी मुद्दा रहेगा और इसी के आधार पर विधानसभा चुनाव। अच्छा, अभी आप इस लोकसभा की अगर बात करें तो क्या लगता है यहाँ पे और क्या क्या होना चाहिए था? देखिए, जैसे देश में मैंने बोला ना, मोदी के अलावा कोई नहीं है, इसके वही सेम कंडीशन यहाँ गोड्डा में निशिकांत जी का, जीते हुए हैं, काम किए हुए हैं, व्यक्तिगत छवि अच्छा है, उनके कंपैरिजन में कोई इस टाइप का कैंडिडेट ही नहीं है जो उनका मुकाबला कर सकता है। अब उनके विरोध में 3 साल लगातार जीते हैं, कुछ विरोधी खड़े हो गए हैं, इसलिए कुछ वोट कट जाएगा, लेकिन जीत सुनिश्चित, जीत सुनिश्चित। देखिए चाय लगातार बनाते, कितने साल से चाय बना रहे हैं? 1981 से। 81 से इसी चौक पे आप चाय पिला रहे हैं?
यहाँ पे जब चाय बनाते हैं तो जो चर्चा चुरावी चर्चा भी आप सब कुछ सुनते होंगे गौर से। हाँ हाँ, दोनों पे चल रहा है लेकिन निकलेगा वही। तो यहाँ चर्चा दोनों का क्या चलता है, लोग आपस में जो चर्चा करते हैं तो क्या बात होती है? दोनों की चर्चा चल रहा है, ऐसे कुछ बोलेंगे नहीं। मतलब लोग क्या बात करते हैं, काम के आधार पे तोलते होंगे, कैसे दोनों कैंडिडेट को तोलते हैं? पर यही बोल रहे हैं किसी से, आप हवाई अड्डा निकाल दिए, एम्स हो गए और कॉरिडोर बनने वाला है, यही सब है। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गोड्डा लोकसभा की फिजा क्या कहती है, यहाँ के चुनावी मुद्दे और जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो किस आधार पे 1 तारीख को मतदान करेंगे। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ गोड्डा लोकसभा की बात करें, देवघर की बात करें, इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा चुनावी माहौल है? इस बार माहौल देखकर तो ऐसा लग रहा है कि त्रिशंकु होने जा रहा है, क्लियर कट अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि किधर जाएंगे। हालांकि बीजेपी का लग रहा है कि उन्हें ज्यादा चांसेस लग रहा है, लेकिन तब फिर भी संभावना कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुद्दा यहाँ क्या लगता है, क्योंकि ये तो धार्मिक नगरी है, बाबा बैद्यनाथ की नगरी के तौर पर लोग इसे जानते हैं। यहाँ पे देखिए, निशिकांत दुबे जी इतना काम किए हैं, इसको देखते हुए जैसे एयरपोर्ट बन चुका है या फिर एम्स आ चुका है, और वाकई में काम तो हुआ है। इस विषय में देखा जाए तो एक विकास का मुद्दा तो है ही साथ में। फिर त्रिशंकु क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, वोट का समीकरण ऐसा है कि कुछ, जैसे हम लोग जानते हैं कि कुछ जातिवाद होता है, कुछ किसी फेवर में कुछ काम होता है, तो सब मिला जुला के ऐसा कहा जा सकता है कि जातिवाद समाजवाद देखते हुए कि समीकरण बता रहा है। आप क्या कहेंगे, आप लोग तो वोट डालते हैं, यहाँ है माहौल क्या लग रहा है, क्या लग रहा है चुनावी माहौल, अगर हम बात करें इस बार क्या मुद्दे छाए हुए हैं? चुनावी माहौल देखिए तो लग रहा है कि बीजेपी का ज्यादा महत्व है यहाँ पर, ठीक है। और जैसा बताया हमारे दोस्त बताया कि निशिकांत दुबे काफी अच्छा काम किए हैं, तो वाकई में अच्छा काम किए यहाँ पर, अच्छा काम हुआ है। देखिए, और भी लोग हैं, इन लोगों से भी समझते हैं। ये बताइए कि यहाँ अभी यहाँ पे आप हैं तो यहाँ चुनावी माहौल कैसा आपको दिख रहा है? मार्केट में तो चुनावी माहौल बढ़िया दिख रहा है, हर एक जगह माहौल दिख रहा है, दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपका मुकाबला कैसा दिख रहा है? देखिए, ऐसा है ना कि ये जो 1 तारीख का जो चुनाव है, ये तो अंतिम चरण का चुनाव है, तो हर चीज में देखा गया। जैसे आप क्रिकेट में भी देखेंगे ना, तो लास्ट जो ओवर्स होते हैं उनके एक अलग क्रेज होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा क्रेज है अभी। लोग तो कह रहे हैं कि गोड्डा का, खास करके चूंकि लास्ट फेज है ये, लेकिन गोड्डा का लोकसभा का चुनाव सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल, सबसे चर्चा में, स्टार बार, एक से एक स्टार कैंपेनर, आप महसूस करते हैं? ये तो रास्ते में हम लोग जैसे सेल से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से तो है नहीं, पर भी जब आम आदमी के, जब हम लोग रास्ते में निकल रहे हैं ना, किसी से बात कर रहे तो उनकी हर बात में चुनाव का जिक्र जरूर आ रहा है, जिक्र जरूर हो जाता है। ये क्यों हाई प्रोफाइल लगता है ये लोकसभा आपको? देखिए सर, मैं यहाँ का हूँ नहीं, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा इसके बारे में, लेकिन महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ मैं महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, जो यहाँ के हैं, जो यहाँ के नहीं हैं, वो भी महसूस जरूर करते हैं। आप लोग ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, माहौल कैसा है इस बार? इस बार मोदी सरकार आएंगे और क्या, इस बार 400 पार मोदी सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है, सबका विकास हुआ है, बहुत तरह विकास दिए हैं, गैस सिलेंडर, विधवा लोग का पेंशन, बहुत तरह सुविधा है, और चावल है तो सब 1 रुपया फ्री चावल है, कोरोना काल में 80 करोड़ आदमी का फ्री राशन, इससे बड़ा उपलब्ध क्या है? यही मुद्दा है चुनाव एकदम, मुद्दा यही है, विकास के मुद्दा है, और जीतेंगे बस मोदी जी, कैंडिडेट आपका जो है वही कमल फूल साहब, विकास का ही मुद्दा यहाँ पे है।